हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और फैन फिक्शन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन वैसे तो एक ही चैप्टर है इसमें, लेकिन वो एक ही चैप्टर इतना ज़्यादा लंबा है कि आराम से उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन के 3-4 पार्ट्स तो बन जाएंगे। फैन फिक्शन का नाम है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट इफ़ यू आर एन, आगे ना ही बोलूँ तो ठीक रहेगा, वरना यूट्यूब को लगेगा कि मैं गालियाँ दे रही हूँ। आप लोग खुद पढ़ लेना आगे। फैन फिक्शन के ऑथर का नाम है पाई क्रस्ट। ये फैन फिक्शन मुझे तो बहुत पसंद आया था। फैन फिक्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो आप खुद भी रीड कर सकते हो। ओके, तो फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग रेडी रहना, क्योंकि हो सकता है इस फैन फिक्शन में आपको थोड़ा सा रोना आ जाए विंग के लिए, क्योंकि वांग जी विंग को हर्ट करने वाला है। लेकिन ऑफकोर्स फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग है, तो एंड में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, विंग और वांग जी यहाँ सेक्स पार्टनर्स हैं। कैसे बने, कब बने, इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक दिन वांग जी जब विंग के साथ बेड में था, तो उसे ये रियलाइज़ होने लगा था कि शायद वो वेई वुशियन को पसंद करने लगा है। इस बात से वो बहुत एनॉयड था खुद से ही कि वो वेई वुशियन जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकता है, क्योंकि विंग यहाँ वांग जी को हमेशा अपने मास्टर की तरह ट्रीट करता आया है। यानी विंग को खुद लगता है कि उसका काम वांग जी को सिर्फ सर्व करना ही है, वो उसे सर्व करेगा और उसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। तो जब वांग जी को इस बात का रियलाइज़ होने लगा कि शायद वो विंग को पसंद करने लगा है, तो वो विंग के साथ उस दिन बेड में बहुत रफ हो गया था। विंग भी इस बात पर बहुत कन्फ्यूज था कि आज लान वांग जी को हुआ क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, विंग हमेशा से ही वांग जी के लिए सबमिसिव था बेड में, तो वांग जी जो करना चाहे वो उसे करने देता है। उन दोनों के एक लंबे हॉट सेशन के बाद वांग जी फाइनली विंग के पास ही लेट जाता है। विंग हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और उसके बाल उसके फेस से हटाता है जो उसकी आंखों में जा रहे थे, और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांग जी तुरंत उसका हाथ हटा देता है और बेड से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने ये क्यों पूछा? और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। विंग अभी भी बेड पर ही लेटा हुआ था और वो वांग जी से कहता है, बस ऐसे ही पूछा क्योंकि मुझे लगा आज तुम बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा ही अनॉयड थे। वांग जी वापस आता है अपने हाथ में एक वेट टॉवल लिए, और वो उस वेट टॉवल को विंग की बॉडी पर रब करने लगता है। विंग उससे कहता है, तुम हमेशा ही मेरे साथ कितने काइंड होना लंजा। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा और अनॉयड फील होता है। वो तुरंत उस वेट टॉवल को बकेट में डाल देता है और उससे कहता है, फालतू बातें मत करो, जाकर शावर ले लो। विंग फिर उससे कहता है, यस सर, और रोल होते हुए बेड से उठ जाता है। इस बीच वांग जी किचन में जाता है और सैंडविच बना रहा होता है, और वो सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, विभूषण इतना टॉकेटिव है, फालतू की बातें करता है, खुद ही अपनी बातों पर हंसता है और इरिटेट करता है, उसमें वो सब कुछ है जिससे मुझे नफरत है, फिर मैं उसके लिए कैसे फीलिंग्स रख सकता हूँ, वो बस मेरा सेक्स पार्टनर है। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी विंग वापस आ जाता है। वांग जी उसे भी एक सैंडविच दे देता है। विंग हंसते हुए फिर उससे कहता है, तुम परफेक्ट हो लंजा। विंग की वो स्माइल अब वांग जी को डेंजरस लग रही थी, क्योंकि इस स्माइल की वजह से वांग जी को कुछ फील होने लगा था। जब उसने विंग के साथ ये सब कुछ शुरू किया था, तब उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। विंग पास ही में रखी एक टेबल पर बैठ जाता है, अपने वेट हेयर की एक पोनीटेल बनाता है और वो सैंडविच खा रहा होता है जो वांग जी ने उसे दिया था। विंग सैंडविच खाता हुआ वांग जी को बहुत क्यूट लग रहा था और वो उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। तुरंत वांग जी ने खुद को याद दिलाया कि विंग बस एक अट्रैक्टिव बॉडी है उसके बेड को वार्म करने के लिए, वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी वांग जी परवाह करे। वांग जी उसे बहुत देर तक घूरता रहता है, तब विंग उससे कहता है, कुछ हुआ है क्या? वांग जी तुरंत उससे नज़रें हटाता है और उससे कहता है, नहीं, लेकिन मुझे और भी बहुत काम है, अगर तुम्हारा हो चुका है तो तुम जा सकते हो। विंग तुरंत बाकी का बचा हुआ सैंडविच जल्दी से खाता है और वांग जी से कहता है, हंगुनजुन, मैं एक तुम्हारा हम्बल सर्वेंट ही तो हूँ, जब तुम कहोगे तब मैं आ जाता हूँ, जब तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे आँख मारता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, बकवास मत करो, अपना सामान पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। विंग अपना बैग उठाता है और वांग जी का हाथ हटाते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस, मुझे पता है कि मुझे कैसे जाना है, मैं चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी वांग जी विंग को डोर तक फॉलो करता है। उसे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है,
लेकिन उसे सिर्फ एक बात पता थी, वो विंग को खुद से जितना दूर हो सके उतना दूर, उसके साथ साथ जितना पास हो सके उतना पास रखना चाहता है। उसकी फीलिंग्स अभी उसके अंदर लड़ रही थी और इस लड़ाई के लिए जो लड़का रिस्पॉन्सिबल था वो वेवुशियन ही था, जो अभी तक एलिवेटर तक पहुंच गया था और काफ़ी टायर्ड लग रहा था। वांग जी उसका टायर्ड फेस देखकर सोचने लगता है, शायद मुझे उसे थोड़ी देर के लिए और आराम करने देना चाहिए था। जब दोनों अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं तो विंग सिगरेट जलाता है। वांग जी को सिगरेट से हमेशा नफरत थी। वांग जी फिर भी विंग के पास से नहीं हट पा रहा था, बल्कि वो विंग को सिगरेट पीता हुआ देखकर ये सोच रहा था कि काश वो उन लिप्स को अभी किस कर पाए। वांग जी के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर विंग फिर उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? वो उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें हॉट तो फील नहीं हो रहा? वांग जी फिर एक स्लैप मारकर उसका हाथ हटा देता है और उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर तुमने खुद को जान से मार लिया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग क्योंकि सिगरेट पी रहा था इसलिए वांग जी ने यह जान से मारने वाली बात कही थी। विंग फिर उससे हंसते हुए कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ लंजा, थैंक यू वेरी मच मुझे बाहर तक छोड़ने आने के लिए, फिर मिलते हैं। अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद वो डोर बंद करते ही अपना हेड उस पर मारता है और खुद से कहता है, मेरा अरेंजमेंट वेवुशियन के साथ बिल्कुल ठीक चल रहा था, इन फीलिंग्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है जब विंग और वांग जी पहली बार मिले थे। विंग और वांग जी पहली बार अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑर्केस्ट्रा में मिले थे। उस ऑर्केस्ट्रा में वांग जी वायलिन बजाता था और विंग फ्लूट बजाता था। वांग जी हमेशा से ही उस ऑर्केस्ट्रा में था क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद था। विंग ने इसी साल उस ऑर्केस्ट्रा को म्यूजिक स्कॉलरशिप की वजह से ज्वाइन किया था। वांग जी को शुरुआत से ही विंग कभी भी पसंद नहीं था, और दूसरी तरफ विंग था जो वांग जी से हमेशा कहता था, लंजा इस ऑर्केस्ट्रा में मुझे छोड़कर सिर्फ तुम ही हो जिसका म्यूजिक सुनने लायक है। प्रैक्टिस के वक्त जब उन्हें ब्रेक्स मिलते थे विंग हमेशा वांग जी से बात करने के लिए जाता, जबकि वांग जी हमेशा गुस्से में रहता था, इसीलिए ऑर्केस्ट्रा का और कोई भी मेंबर वांग जी से बात करने के लिए नहीं आता था। विंग हमेशा प्रैक्टिस पर टाइम से आना भूल जाता था, कभी अपने म्यूजिक शीट्स भूल जाता था, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता था, इसीलिए वांग जी उससे नफरत करता था। एटलीस्ट अब तक तो वांग जी यही सोचता आया था। लेकिन ऐसा समय आ गया था जब ऑर्केस्ट्रा के लोग वांग जी के घर पर जाया करते थे प्रैक्टिस के लिए। विंग भी वहाँ आया करता था, लेकिन विंग ने वांग जी को टीज करना नहीं छोड़ा था। एक शाम 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन विंग ने उसे अन्नॉय करना नहीं छोड़ा था। वांग जी गुस्से में उससे कहता है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस पर ठीक से ध्यान नहीं देना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा करना नहीं आता, हम इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या मैं 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं ले सकता? ऐसा कहकर वो लेजीली फ्लोर पर ही लेट गया था। विंग को फ्लोर पर लेटा हुआ देखकर वांग जी को खुद नहीं पता चल पा रहा था कि उसे उस दिन हुआ क्या था। वो कन्फ्यूज्ड था और इरिटेटेड था। वो उससे कहता है, अगर तुम्हें जाने का मन नहीं कर रहा तो क्यों ना कुछ यूजफुल करो। विंग उससे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रूमर सुनी है, तुम सिर्फ अपने मुंह से बकवास करने के अलावा और भी कई कामों में अच्छे हो। वांग जी ने विंग के बारे में अपने ब्रदर के फ्रेंड जिन कोंगवायो से सुना था कि सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं उसे ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किए और वो ऑलरेडी ऑर्केस्ट्रा के आधे लोगों के साथ सो चुका है। ये सब सुनकर वांग जी विंग से और भी ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगा था। ये सब सुनने के बाद विंग को बहुत हर्ट हुआ था। उसका हर्ट फेस देखकर वांग जी एक सेकंड के लिए डाउट करने लगता है कि शायद उसने विंग के बारे में गलत सुना होगा, लेकिन अगले ही पल विंग के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो अपना फेस वांग जी के नज़दीक लाकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि प्योर हंगुनचुन को भी ये सब में इंटरेस्ट होगा। वांग जी गुस्से में उससे कहता है, शट अप, और उसके बाल पकड़ के उसे किस करने लगता है। उस दिन पहली बार वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। विंग हैवीली ब्रीथ कर रहा था और बिल्कुल शांत था। वांग जी ये देखकर उससे कहता है, तो तुम्हारे जैसे इंसान को भी शांत रहना आता है? विंग हंसते हुए उससे कहता है, शायद अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे कैसे शांत करना है लंजा। और इसी दिन से उन दोनों के बीच अरेंजमेंट फिक्स हो गया था। वांग जी वीक में कभी भी उसे मैसेज कर देता था कि वो उसके साथ सोना चाहता है और विंग तुरंत उसके रूम पर पहुंच जाता था। कभी कभी जब विंग बहुत ज़्यादा थक जाता था तो वो वांग जी के घर ही रहता था, डिनर करता था और अगली सुबह निकल जाता था।
अभी भी उसने वांगजी को इरिटेट करना नहीं छोड़ा था, इसीलिए तो वांगजी और भी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके मन में वेइंग को लेकर फीलिंग्स आ कहां से गईं। वे वुशन जैसा इंसान जिसे उसकी एडॉप्टिव फैमिली ने हाई स्कूल के बाद घर से धक्के मारकर निकाल दिया था क्योंकि वे वुशन ने कुछ गलत किया था। जांग्स ने पूरी तरीके से उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया था। जांग्स लैन फैमिली की तरह रिचेस्ट फैमिली में से एक थे। वांगजी सोचने लगता है कि अगर अंकल को पता चला कि उसने अपना रिश्ता एक ऐसे लड़के के साथ बनाया है जिसे जांग फैमिली ने निकाल दिया है, तो कहीं अंकल गुस्से में आकर उसे ऑर्केस्ट्रा से ही बाहर ना निकलवा लें। वांगजी फिर खुद को समझाता है कि उसे वुइंग से कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस कुछ समय की फीलिंग्स है जो इस वजह से है क्योंकि वुइंग उसका सेक्स पार्टनर है। धीरे धीरे ये फीलिंग चली जाएगी। लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ था क्योंकि वांगजी बार बार वुइंग को अपने घर बुलाना चाहता था। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। दोनों एक बार फिर से बेड में थे। वांगजी उससे कहता है, क्या तुम सबके साथ ही बेड में इतना ओबीडियंट हो या सिर्फ मेरे साथ ही? वुइंग उसकी बातों का फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो वांगजी के रफ ट्रीटमेंट को झेल रहा था। वुइंग का प्रिटी फेस देखकर वांगजी खुद से कह रहा था, तुम्हें कोई हक नहीं है वुइंग मेरी लाइफ में आने का और मेरे अंदर की फीलिंग्स को जगाने का। वुइंग उससे कहता है, लंजा तुम्हें क्या हो गया है? कुछ टाइम से तुम मेरे साथ इतना मीन पेश क्यों आते हो? वांगजी फिर से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है, हमें शॉर ले लेना चाहिए। वुइंग पाउट बनाते हुए उससे कहता है, मुझे गोद में उठाओ लंजा, मैं नहीं उठ पाऊंगा। वांगजी उससे कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो, लेकिन फिर भी वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर आता है। वांगजी शावर ऑन करता है। वो वुइंग की फेस की तरफ देखता है तो वुइंग फिर से बहुत टायर्ड दिख रहा था। ये देखकर वांगजी को अंदर बहुत बुरा फील होता है और वो खुद से कहता है, शायद मैं आज उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मीन था। वांगजी उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा था। वुइंग उससे कहता है, लंजा तुम कितने स्वीट हो। वांगजी को एम्बेरसिंग फील होता है और वो तुरंत उससे कहता है, शट अप, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मुझे डर है कि तुम मेरे बेड को गंदा कर दोगे क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि आज रात को तुम घर वापस नहीं जा पाओगे। वुइंग उससे कहता है, अगर तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। वांगजी कोई जवाब नहीं देता। अपने हाथ में शैम्पू लेके अब वो वुइंग के बालों को वॉश करने लगता है। शावर लेने के बाद अब वांगजी खुद वुइंग को अंदर लेकर आता है, उसकी बॉडी को अपने हाथों से ही ड्राई करता है और उसे अपने कुछ कपड़े दे देता है पहनने के लिए। वुइंग अब वांगजी के बेड पर ही पीसफुली सो गया था। वुइंग के सो जाने के बाद वांगजी उसके चीक्स पर अपने हाथ फेराता है और खुद से कहता है, ये आखिरी बार है, अब मैं उसे कभी यहाँ नहीं बुलाऊंगा, इससे पहले कि हम दोनों के बीच में सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए मैं वुइंग से मना कर दूंगा कि अब उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है, और जैसा कि मैंने पोल में पूछा था कि क्या आप लोगों को बॉटम वांगजी देखना है, तो बहुत लोगों ने यस के लिए ही वोट दिया था। तो इस फैन फिक्शन के ख़त्म हो जाने के बाद एक बॉटम वांगजी शेयर करूँगी। उसमें केवल 2 चैप्टर्स हैं तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।